Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 6th standard, that is the worth of a fabric. सबसे पहले हम देखते हैं इस टाइटल का मतलब क्या होता है. फैब्रिक होता है एक कपड़ा, मींस आप जो क्लोथ कहते हैं, कोई सा भी तरह का कपड़ा होता है उसको हम फैब्रिक कहते हैं. जैसे हम कहते हैं ना, इसका फैब्रिक कैसा है, ऐसा कपड़ा कैसा है, क्वालिटी कैसी है उस कपड़े की, तो वो कपड़ा होता है फैब्रिक. और वर्थ होती है वैल्यू, उसकी कीमत या उसका मूल्य, दैट इज वर्थ, दैट इज वैल्यू. तो हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कपड़े की क्या कीमत है या क्या वैल्यू है. ये इस चैप्टर का टाइटल है. लेकिन इससे हमको सिर्फ ये नहीं पता चलता कि एक्चुअल में उसकी क्या प्राइस है, क्या कॉस्ट है या क्या वैल्यू है. यहाँ पर आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा, तो वो लेसन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हमें क्या सीखने को मिलता है. स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर. Thiruvalluvar was a great Tamil saint poet who lived more than 2000 years ago. तो Thiruvalluvar एक great Tamil के saint poet, saint में सब कह सकते हैं कि साधु संत होते हैं, तो उस टाइप के वो poet थे जो 2000 years पहले रहते थे, means 2000 पहले years की बात है ये. Thirukkural is the book of his teachings. उनकी जो टीचिंग्स मीन्स जो वो सिखाते थे, जो उनकी अच्छी बातें होती थी, उनकी एक बुक है जिसका नेम है थिरुकुरल. इट इज़ जेंटली लव्ड एंड रिस्पेक्टेड इवन टुडे. और आज भी उस बुक को पसंद किया जाता है और रिस्पेक्ट किया जाता है. थिरुवल्लुवर वॉज अ टेक्सटाइल वीवर. वो टेक्सटाइल मीन्स वो इंडस्ट्री होती नहीं, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ कपड़े बनते हैं, टेक्सटाइल का मतलब ही कपड़े होता है. तो टेक्सटाइल वीवर मीन्स बुनने वाले होते थे. He wove beautiful fabrics and saris and sold them in the market. वो अच्छी साड़ी, सुंदर साड़ीज, फैब्रिक मीन्स कपड़े या क्लोथ को क्या करते थे, वीव मीन्स बो आप कह सकते हैं बुनते थे, बनाते थे और उनको मार्केट में सेल करते थे. People said that he never got angry. और लोग कहते थे वो कभी भी गुस्सा नहीं होते. Never used bad words. कभी भी वो बुरे words को use नहीं करते थे. Never shouted at anyone. और ना ही किसी पे वो चिल्लाते थे. इन द सेम टाउन, उसी टाउन में देयर लिव्ड अ रिच यंग मैन. वहाँ पर एक रिच यंग मैन भी रहता था. ही वेस्टेड मोस्ट ऑफ हिज टाइम रोमिंग अराउंड विद हिज फ्रेंड्स. वो अपना ज़्यादातर टाइम बर्बाद करता था अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में. दे ऑफन मेड फन ऑफ अदर पीपल. और कई बार वो दूसरे लोगों का मजाक भी उड़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे. आई डोंट बिलीव व्हाई पीपल से अबाउट दिस वल्लुवर. उसने कहा कि इस वल्लुवर के लिए ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि वो गुस्सा नहीं करता, कभी बुरे वर्ड्स नहीं बोलता. सेड द यंग मैन वन डे. उसने ऐसा कहा एक दिन. आई एम श्योर आई कैन मेक हिम एंग्री. कम ऑन लेट्स हैव सम फन टुडे. उसने कहा कि मैं पूरी तरह श्योर हूँ कि मैं उसे गुस्सा दिला सकता हूँ, चलो आज कुछ मजा लेते हैं, उसका मजा लेते हैं. ये उस यंग मैन ने कहा. तो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. हु वॉज Thiruvalluvar? Thiruvalluvar कौन थे. सेकेंड क्वेश्चन इज वॉट इज द बुक ऑफ हिज टीचिंग और वॉट इज द नेम ऑफ द बुक ऑफ हिज टीचिंग्स. उनकी जो बुक है जिसमें उनकी टीचिंग्स हैं, वो उस बुक का नेम क्या है. ओके, आगे बढ़ते हैं हम. सो द एरोगेंट यंग मैन अप्रोच Thiruvalluvar इन द मार्केट एंड पिक्ड अप अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ फैब्रिक. तो वो एरोगेंट मीन्स एकदम गुस्से में आप कह सकते हैं एटीट्यूड वाला. तो वो यंग मैन Thiruvalluvar के पास गया, अप्रोच मीन्स उसके पास जाना, उसके पहुंच तक पहुंचना, और उसके पास गया मार्केट में और एक ब्यूटीफुल सा फैब्रिक का पीस, एक कपड़े का पीस उसने उठाया. हाउ मच डज दिस होल फैब्रिक कॉस्ट. उसने कहा कि ये पूरे फैब्रिक की क्या कीमत है. 8 कॉइन्स द सेंट नेम्ड द प्राइस. सेंट ने कहा कि इसके 8 कॉइन्स हैं. द यंग मैन अनफोल्डेड द फैब्रिक एंड टोर इट इंटू टू. वो जो यंग मैन था उसने एक्चुअली वो पहले जो कपड़ा था ना, जो फैब्रिक था वो फोल्ड था, उसको अनफोल्ड किया, उसकी पूरी तरह उसकी घड़ी खोली और उसके बाद उसने उसको दो हिस्सों में फाड़ दिया. व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस पीस नाउ. और फिर उसने पूछा अब इसकी क्या प्राइस है. 4 कॉइन्स द सेंट आंसर्ड पोलाइटली. जो सेंट था उसको गुस्सा नहीं आया, उसने पोलाइटली कहा अब 4 कॉइन्स हैं. द यूथ वॉज टेकन अबैक. उसको फिर चिड़चिड़ी हुई कि क्या हुआ, ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा है. वाई डजंट द मैन गेट एंग्री. उसको लगा कि ये आदमी गुस्सा क्यों नहीं कर रहा है. ही देन टोर द हाफ पीस इनटू हाफ अगेन. अब जो एक का हाफ था उसको वापस उसने हाफ कर दिया. एंड नाउ, फिर उसने पूछा अब बताओ.
टू कॉइन्स वॉज द आंसर, और आंसर था टू कॉइन्स. नाउ इट वॉज यंग मैन हु बिकेम इम्पेशेंट एंड एजिटेटेड. अब वो जो यंग मैन था वो इम्पेशेंट हो गया और उसको एकदम डिस्टर्ब्ड हो गया, गुस्सा आ गया उसको भयंकर वाला. ही टोर द पीसेस इनटू हाफ अगेन एंड अगेन सेइंग एंड नाउ व्हाट सरप्राइज नाउ. वो बार बार उस पीस को फाड़ता गया, टोर करता गया, अगेन एंड अगेन वो फाड़ता गया, और उसके बाद उसने पूछा कि अब बताओ क्या प्राइज़ है, अब बताओ क्या प्राइज़ है. थिरुवल्लुवर कामली वेंट ऑन रिड्यूसिंग द प्राइस टू हाफ एवरी टाइम. और हर टाइम थिरुवल्लुवर क्या करते थे, उस प्राइस को हाफ कर देते थे शांति से. एट लास्ट द फैब्रिक वॉज रिड्यूस टू रैग्स. और फाइनली उसके पूरी तरह चिथड़े हो गए, मीन्स एकदम आप कह सकते हो तितर पितर हो गया वो, पूरा पूरी तरह फट गया वो. सो थिरुवल्लुवर सेड इन क्वाइट टोन, उसने धीरे से बोला, नाउ दिस फैब्रिक हैज़ बिकम वर्थलेस. ठीक है, अब ये जो कपड़ा है वो पूरी तरह वर्थलेस हो गया, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी इसका प्राइस नहीं है, ये बिना काम का हो गया. आई विल नॉट नेम एनी प्राइस फॉर दीज रैग्स. उसने कहा कि इन चिथड़ों के लिए, इन जो चिंदे जो बच गए हैं इन कपड़ों के, उसके लिए कोई प्राइस नहीं बताऊंगा मैं. द यंग मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से. यंग मैन के पास कुछ उसको समझ नहीं आ रहा था वो क्या कहे. बट ही वॉज प्राउड ऑफ हिज रिचेस. लेकिन उसको अपने अमीर होने पर गर्व था, प्राउड था. सो ही ऑफर टू पे 8 कॉइन्स टू द सेंट. उसने ऑफर किया कि ठीक है मैं आपको 8 कॉइन्स पे करता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम थिरुवल्लुवर स्माइल्ड बट ही रिफ्यूज टू टेक द मनी. और पहली बार में ही थिरुवल्लुवर ने स्माइल की और उसने पैसे लेने से मना कर दिया. यंग मैन नाउ दिस फैब्रिक इज ऑफ नो यूज, इट हैज़ बिकम वर्थलेस. उसने कहा यंग मैन को कि अब जो ये फैब्रिक है उसका कोई मतलब नहीं, कोई यूज़ नहीं है, ये वर्थलेस हो गया है, बिना काम का हो गया है. Why? Because no one will be able to wear it now. उसने कहा कि क्यों हो गया ये वर्थलेस, क्योंकि अब कोई भी इसको वेयर नहीं कर पाएगा. Do you know the fabric was not made in a day? और तुम जानते हो कि फैब्रिक एक दिन में नहीं बनता. So your next question comes over here. Why the fabric became worthless? Why the fabric became worthless? आगे बढ़ते हैं हम. Many people have toiled to make it. Toil का मतलब होता है hard work करना, मेहनत करना. तो कई लोगों ने मेहनत की है इसको बनाने के लिए. The farmer who grew cotton in his field worked hard for months through sun and rain. जिस farmer ने cotton को अपने field में उगाया था उसने महीनों तक काम किया है, hard work किया है, sun में किया है, rain में भी किया है. He picked cotton from each boll and gave it for spinning. उसने हर बोल मीन्स आप कह सकते हैं जैसे जब कपास मतलब जब कॉटन का जो पौधा होता है उसमें जब कॉटन आता है तो उसको बॉल कहते हैं. ओके, तो वो जब आता है वो बॉल जब निकलता है उसमें से वो कॉटन लेते हैं, मीन्स पिक करते हैं और उसको स्पिनिंग के लिए देते हैं. देन समवन एल्स कार्टेड द कॉटन एंड स्पन इट इनटू लॉन्ग यूनिफॉर्म थ्रेड्स. और उसके बाद कोई और उस कॉटन उस बोल में से क्या करता है, उसको क्लीन करता है, जो भी उसमें डस्ट होती है, जो भी उसमें अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको निकालता है और उसको फिर वो क्या करता है, स्पन करता है. स्पन मीन्स उसको थ्रेड करने के लिए ट्विस्ट करता है और फाइनली वो थ्रेड बनाता है. द थ्रेड्स वर डाइड केयरफुली सो दैट दे टुक ऑन दीज लवली कलर्स. और फिर जो थ्रेड्स होते हैं उनको कलर किया जाता है. डाई करना मीन्स कलर करना, जिससे वो इतने प्यारे कलर्स में आते हैं. My wife and I wove the threads together. और उन threads को हम एक साथ बुनते हैं. Putting in beautiful design और अच्छी designs बनाते हैं. We thought someday someone will like the fabric. और हम सोचते हैं कि किसी दिन कोई तो इस fabric को पसंद करेगा. Will be happy to wear it और इसको पहनने में happy feel करेगा. Then all our work would have been rewarded. और उसके बाद ही हमारे जो हम जो काम करते हैं उसका कुछ reward हमको मिलता है. आगे बढ़ते हैं हम. When you destroyed the fabric, you destroyed all the love and labor that went into me, its making. और जब तुमने उस फैब्रिक को डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने वो सारा प्यार, सारी मेहनत जो इसको बनाने में लगी थी वो सब भी डिस्ट्रॉय कर दी. मनी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक. और मनी इस चीज़ को वापस नहीं ला सकता. द सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स टच द यंग मैन्स हार्ट. और जो इतने प्यार से उसने जो सॉफ्टली स्पोकन वर्ड्स मीन्स जो इतने अच्छे से पोलाइटली उन वर्ड्स को बोला था सेंट ने, तो उन वर्ड्स को इस यंग मैन ने मीन्स टच कर लिया. उन वर्ड्स से इस यंग मैन के दिल को टच कर लिया, मीन्स उसको इमोशनली टच किया. नाउ ही वॉज रियली अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ. अब उसको खुद पे ही शर्म आने लगी.
एंड डू यू नो थ्रूवलोअर वेंट ऑन टू से, और वो कंटिन्यू बोलते रहे, और क्या तुम जानते हो आई कैन वीव अनदर फैब्रिक लाइक दिस बट आर लाइफ इज ऑल्सो लाइक हाफ लाइक दिस फैब्रिक. उसने कहा कि मैं इसके जैसे दूसरा फैब्रिक भी बना सकता हूँ, और लेकिन हमारी जो लाइफ है वो भी फैब्रिक की तरह है. इफ़ यू टेयर इट अपार्ट विद हैस्टी थॉटलेस एक्शंस इट विल बी डिस्ट्रॉयड. उसने कहा कि अगर आप अपनी लाइफ को भी इसी तरह से जल्दी के एक्शन से बिना सोचे समझे अगर आप इसको मीन्स ख़राब करते रहेंगे, डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, तो क्या होगा, वो भी मीन्स इट विल बी डिस्ट्रॉयड, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. एंड यू विल नॉट गेट इट बैक अगेन, और आप अपनी लाइफ वापस नहीं ला सकते. चाहे ये कपड़ा वापस बन जाएगा, इस टाइप का कपड़ा बन जाएगा, बट आपकी लाइफ वापस नहीं आ पाएगी, वो टाइम वापस नहीं आ पाएगा. थिरुवल्लुवर्स वर्ड्स ओपन द यंग मैन्स आईज, और थिरुवल्लुवर की जो वर्ड्स थे उन्होंने इस यंग मैन की आंखें खोल दी, दैट मीन्स उसको समझ आ गया. देयर एंड देन ही डिसाइडेड टू गिव अप हिज आइडलनेस एंड बैड हैबिट्स, और उसके बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो जो अपना आइडलनेस मीन्स लेजीनेस है, कुछ काम नहीं करना, घूमते रहना, दूसरों को परेशान करना, ऐसी हैबिट्स को और आइडलनेस को वो क्या करेगा, छोड़ देगा. तो द चैप्टर एंड्स ओवर हियर. आई होप आपको समझ में आया होगा. इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है, हमें ये लेसन मिलता है कि हमें कुछ भी करने से पहले सोचना चाहिए, और अननेसेसरीली किसी को परेशान नहीं करना चाहिए. एट द सेम टाइम हमें बिना सोचे समझे कोई एक्शन नहीं करना चाहिए. अब उसने बिना सोचे समझे सिर्फ एक मस्ती करने के लिए उसने क्या किया, उस कपड़े को इतना फाड़ दिया कि वो रैग्स हो गए लास्ट में. ओके, सो आई होप आपको लेसन भी समझ में आया होगा. एट द सेम टाइम इससे क्या हमको टीचिंग, क्या मोरल मिलता है वो भी समझ में आया होगा. आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू पॉइंट्स अबाउट द यंग मैन. यंग मैन के बारे में दो पॉइंट्स लिखने हैं आपको. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द क्वालिटी ऑफ थिरुवल्लुवर. आपको थिरुवल्लुवर की कोई क्वालिटी, यू कैन, यू हैव टू टेल द क्वालिटी, यू हैव टू राइट द क्वालिटी ऑफ थिरुवल्लुवर, उसकी क्या क्वालिटी थी. ओके देन everything, I hope everything is clear. In case of any doubt or difficulty, feel free to ask me. Okay then, take care, stay safe.